Hello, my dear student, how are you? So, children, today we are going to learn about adverb in your grammar, English grammar. ये जो है आपकी बुक कोर्स बुक है इंग्लिश की, बट इसमें जो है एक्सरसाइज दी गई है, चैप्टर 9 की एक्सरसाइज है ये एडवर्ब. तो इसको हम आज सीखेंगे, ठीक है, कि एडवर्ब क्या होती है और ये कैसे करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि एडवर्ब जो है वो होता क्या है. एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेलिंग्स समथिंग मोर अबाउट अ वर्ब. जो वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करता है उसको हम एडवर्ब बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से देखते हैं. मीना स्पीक्स पोलाइटली. मीना जो है क्या करती है, पोलाइटली बोलती है. स्पीक्स मतलब बोलना, ठीक है. विवेक राइट नीटली. विवेक कैसा लिखता है, साफ लिखता है. एडवर्ब का यूज़ जो है हम वर्ब के, वर्ब को और ज़्यादा उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए करते हैं, कि जैसे इन्फॉर्मेशन देंगे. जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वर्ब क्या होती है. वर्ब मतलब डूइंग वर्ब. जो आपको मैंने एक्शन और डूइंग वर्ब सिखाए थे उसी को हम वर्ब बोलते हैं, ठीक है. डूइंग वर्ब, एक्शन वर्ब और वर्ब जो है तीनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है. तो वर्ब को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए जिसका हम यूज़ करते हैं उसको हम एडवर्ब बोलते हैं. ओके, तो आपने देखा जैसे विवेक राइट्स नीटली. विवेक कैसा लिखता है, लिखना क्या है, एक्शन वर्ड, ठीक है. एक्शन वर्ड को और अच्छे से इंफॉर्मेशन देने के लिए वो कैसा लिखता है, अच्छा लिखता है, गंदा लिखता है, कैसा लिखता है, नीटली यानी कि वो साफ लिखता है, ठीक है. अवर टीचर टॉक्स स्माइलिंगली. स्माइलिंगली मतलब कि हमारी जो टीचर है वो हमसे हमेशा मुस्कुराते हुए ही बात करती है. ओके, माई फ्रेंड पेंट्स ब्यूटिफुली. पेंट मतलब के पेंटिंग करने को बोलते हैं, ठीक है. डूइंग वर्ड है ना, पेंटिंग कर रहा है जो फ्रेंड है वो पेंटिंग कर रहा है. और कैसी कर रहा है, बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग कर रहा है, ठीक है. अगली हम यहाँ पे और कुछ भी लिख सकते हैं. ब्यूटीफुल मतलब बहुत सुंदर पेंटिंग कर रहा है, ख़राब पेंटिंग कर रहा है, उसके बारे में कैसी पेंटिंग कर रहा है उसके बारे में हम जो बताएंगे वो हम एडवर्ब की हेल्प से बताते हैं, ठीक है. इसके हमें एग्जांपल आपको बताती हूँ. जैसे कि इसके एग्जांपल है एडवर्ब की. आई एट माई डिनर क्विकली. मैं अपना डिनर जो है बहुत जल्दी जो है फिनिश मतलब कर लेता हूँ. क्विकली माने बहुत जल्दी कर लेता हूँ, ठीक है. माई फादर केम होम अर्ली मतलब मेरे जो फादर हैं वो घर जल्दी आ जाते हैं, ठीक है. माई फ्रेंड रन्स फास्टली. मेरा जो फ्रेंड है वो बहुत तेज दौड़ता है. रन माने क्या होता है, भागना. ये है डूइंग वर्ड. और इसको और अच्छे से बताने के लिए कि वो कैसा भागता है उसके लिए हमने लगाया फास्ट मतलब तेज, और एडवर्ब को यूज़ करते हैं हम एल वाई से, ठीक है. जो कुछ वर्ड्स होते हैं उसको हम ऐसे करते हैं. माई फ्रेंड रन फास्टली. द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली. ठीक है, प्ले मतलब खेलना, प्लेड बच्चे खेल रहे थे, कैसे, बहुत खुश होके खेल रहे थे. ठीक है बच्चों, अब आपको समझ आया कि एडवर्ब क्या होती है. एडवर्ब का मतलब होता है डूइंग वर्ड को, एक्शन वर्ड को जो और अच्छे से बताना उसको हम एडवर्ब बोलते हैं, कि वो जो एक्टिविटी कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है वो कैसा कर रहा है, ठीक है. और ये जो एक्सरसाइज है इसकी कराने को मैं आपको ये भी करा सकती थी, मैंने अपने एग्जाम्पल लिए हैं, बट ये जो है आपने ये एक्सरसाइज अपने आप करनी है, ठीक है. अंडरलाइन करना है इसमें एडवर्ब को, कि एडवर्ब कौन सी है, और ये फिलअप्स भी है आपने करनी है. ओके बच्चों, तो आई होप ये आपको वीडियो समझ आ गई होगी, और अपने आपने अब ये एक्सरसाइज अपने आप करनी है. ओके बच्चे, टेक केयर, बाय बाय.